इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर जिला थाना घाटमपुर जहगीराबाद गांव निवासी डंपर चालक मकबूल 36 वर्षीय पुत्र सदीक दुबग्गा मंडी से मोरंग उतार कर खाली डंपर लेकर जा रहा था, तभी मोहन पुछरा चौराहे के पास दिल्ली से कोरियर का सामान लादकर जौनपुर जा रहे ट्रक चालक मनवीर सिंह 40 वर्ष पुत्र सौदान सिंह निवासी दलेलपुर थाना मलावन एटा की गाड़ियां आमने सामने भिड़ंत हो गई। अपनी अपनी गाड़ियों में अलग अलग दोनों चालकों के पैर स्टीयरिंग में फंस गए। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती तब तक लखनऊ के राजा जी पुरमपारा थाना निवासी लक्ष्मी पत्नी स्वर्गीय शिव सागर अपने 6 पुत्र अनिरुद्ध के साथ कार से दरीहट जा रही कार पीछे से घुस गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई तथा अनिरुद्ध को मामूली चोट आई। घटना के बाद लक्ष्मी दूसरे साधन से वापस लखनऊ चली गई, जबकि ट्रक और डंपर में फंसे चालकों को मोहन चौकी इंचार्ज राजेश कुमार दीक्षित पुलिस बल के साथ बाहर निकालने के लिए प्रयास करते रहे, तो मोहन नगर पंचायत से बुलडोजर मंगवा कर दोनों गाड़ियों को खिंचवाया गया, जिसके 1 घंटे बाद दोनों चालक बाहर निकाले गए, जिनके पैर दबने से फ्रैक्चर हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से CHC ले जाया गया। डॉक्टर ने दोनों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना से लखनऊ भरगांव दोनों छोर 5 किलोमीटर तक 3 घंटे तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवा दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि घायलों के परिजन को सूचना कर दी गई है। पैर की हड्डी टूटने से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया है। दोनों गाड़ियों को किनारे कराकर जाम हटाया गया। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।